पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 3 करोड़ की लागत से अवैध रूप से निर्मित किए गए दरबार वेज रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलाकर उसे निस्तेनाबूद कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भू माफियाओं और चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासन व पुलिस विभाग को दिए गए हैं, जिसके चलते इस प्रकार के माफियाओं एवं उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण व कब्जे की जानकारी तैयार की गई है। नौदरा ब्रिज एवं करमचंद चौक के बीच श्री गोविंद सिंह कन्या महाविद्यालय के सामने यश जैन एवं हर्ष जैन के द्वारा अवैध रूप से निर्मित एवं संचालित किए जा रहे दरबार वेज रेस्टोरेंट को तोड़ा गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अवैध रूप निर्मित दरबार वेज रेस्टोरेंट को लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था एवं उक्त अवैध निर्माण में नया मोहल्ला निवासी अब्दुल रज्जाक का पैसा लगा हुआ है। ज्ञात हो कि अब्दुल रज्जाक पुराना अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में NSA की कार्रवाई की जा चुकी है। मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल मेरे हिसाब से अनुचित है। ये जो मेरे को भू माफिया बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास ये खसरा है जिसको मैं आप सबको दे सकता हूँ, इसकी कॉपी। ये खसरा मेरे और मेरे बड़े भाई के नाम पे है, आप इसको निकलवा सकते हैं। सवाई सिंह यश जैन और हर्ष जैन के नाम पे ये खसरा है। मैं इस संपत्ति का विगत कई वर्षों से पीढ़ियों से नगर निगम कॉरपोरेशन टैक्स भरता आ रहा हूँ। नगर निगम में भी मेरा नाम चढ़ा हुआ है, जिसके कारण जो ये अवैध और अनुचित मतलब बोल रहे हैं सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजह लगती है कार्रवाई? सर वजह तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अभी जैसी भी वजह पता चलती है तो उस पर मैं एक्शन और वो तो ज़रूरी ही लूँगा। वजह तो अभी मेरे को भी ज्ञात नहीं है। क्या जा रहा है कि इसमें किसी ऐसे व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट है जो शहर में एक बहुत कुख्यात अपराधी है, इसी वजह से कार्रवाई की? सर इसमें 4 पार्टनर हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, शरद जैन, मनीषा आजारिया, सीमा जैन और जया रानी जैन, जिसमें से 2 मेरी माताएं हैं, बड़ी मम्मी और मम्मी हैं। इसमें ये 4 पार्टनर हैं, इनकी रजिस्टर्ड LLP डीड है, सॉर्ट ऑफ कंपनी है जो वो रजिस्टर्ड है, हमारे पास प्रॉपर उसका LLP फॉर्मेशन है। अब आपका क्या स्टेप होगा? सर मैं पहले तो जानकारी लूँगा कि ये कार्रवाई किस कारणवश क्या सोचते हुए करी गई है, और इस पे सर मैं कोर्ट तो ज़रूर जाऊंगा। नोटिस कब दिया था आपको? सर मेरे को नोटिस कुछ भी प्राप्त नहीं है। जैसा मैंने बताया, इन्होंने बोला कि इन्होंने पंचनामा कर लिया है, तो इन्होंने 4 लोगों के बीच में पंचनामा कर लिया, तो उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। कायदे से इनको चस्पा करना चाहिए था, जो कि इनके द्वारा नहीं किया गया है मेरी संपत्ति पर। देखिए नगर निगम ने और लोकल पुलिस ने और बाकी लोगों ने वहाँ के SDM ने संयुक्त कार्रवाई की है। नगर निगम के पास में पर्याप्त दस्तावेज होंगे तभी उन्होंने इसकी कार्रवाई की है, और उनके दस्तावेजों के आधार पर वो बिना अनुमति के निर्मित हुआ है, ऐसा संज्ञान में आया है। तो उन्हीं के नियमों के अंतर्गत और जो नगर पालिका एक्ट है उनके अंतर्गत वो कार्रवाई हुई।